आज राहुल गांधी का जन्मदिन है और वो हो गए हैं 49 इयर्स के, और कांग्रेस के लोग अब उनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि 50 पार के बाद लोकसभा चुनाव कैसे लड़ेंगे राहुल गांधी। चौकीदार चोर है के नारे के साथ राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्रयास न सिर्फ उनके बल्कि कांग्रेस के किसी काम न आ पाया और उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर कहा कि वो अपना ये वाला जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि बिहार में चमकी बुखार से हो रही मौतों पर उन्होंने ये लिया फैसला। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को आज उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी तथा लंबी उम्र व स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं भी दी, और उन्होंने यूपी के प्रतापगढ़ व दलित किसानों को जलाकर हत्या व डॉक्टरों की कल हड़ताल के दौरान लोहिया अस्पताल में उत्पाद वास्तव में हत्या व जुर्म जाति आदि की उस श्रृंखला को ताजा कड़ी है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अति दुखद व निंदनीय है सरकार। उन्होंने अपने ट्वीट अकाउंट से ये सभी पोस्ट शेयर करी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।